बाइकॉट पठान बाइकॉट पठान बाइकॉट पठान। दोस्तों यूट्यूब पर जहाँ भी देखो ट्रेन में चल रहा है बाइकॉट पठान, और ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जो कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ बाइकॉट पठान पठान करके मिलियंस में व्यूज छाप रहे हैं। दोस्तों ये मेरी कैटेगरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप किस तरीके से एज ए न्यू क्रिएटर यूट्यूब पर ग्रो हो सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके, वो भी हो सकता है बाइकॉट पठान या कुछ भी ट्रेन में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से न्यू यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो अपलोड किए लास्ट 7 दिन में, एक दिन जो कि यूट्यूब बाइकॉट पठान ट्रेन में चल रहा है, एक वीडियो अपलोड करके मिलियंस में व्यूज लेके बैठे हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। अभी उनका जो भी वीडियो डालेंगे व्यूज बहुत ही अच्छा खासा आने वाला है, क्योंकि वो एक वीडियो से यूट्यूब पर जो है ग्रो हो गए हैं। और ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जो कि 2 साल से 3 साल से यूट्यूब पर जो है काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाए। तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ट्रेन में चल रही उस चीज़ को लेके, जो है ट्रेन में चल रही उस चीज़ को लेके यूट्यूब पर ग्रो हो सकते हो। मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले बता दूँ, ऐसे बहुत से भाई बंधु है जो कि ये कमेंट करेंगे कि भाई तू क्यों नहीं बना रहता, तो भाई हम बना लेंगे, तो आपको जो है बताएगा कौन। जैसे ऐसे बहुत से क्रिएटर जो आपको बता रहे हैं बाइकॉट पठान करो, इस तरीके का चैनल क्रिएट करो, आपके व्यूज आएंगे, इस तरीके का जो चैनल है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा, तो सभी वो काम करने लग जाएंगे। तो आपको भी बताएंगे या कुछ ऑडियंस को बताने वाले भी चाहिए कि आप ऐसे चैनल क्रिएट करो, तो वो सबकी अलग अलग नीच होती है गाइस, लेकिन आपको बता सकते हैं किस तरीके का आपको कंटेंट क्रिएट करना है। तो उस तरीके का आप कमेंट मत करो, मैं उस तरीके के कमेंट को अवॉइड करता हूँ, ध्यान में नहीं लेता, फिर भी आप कर सकते हो, मैंने ऑल अलाउ कमेंट कर रखा है कमेंट आपके लिए करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जो चैनल है वो एक दिन में बाइकॉट पठान करके यूट्यूब पर ग्रो हो चुके और मिलियंस में सब्सक्राइब लेके बैठे। फिर आगे बात करेंगे आपको किस तरीके से जो है क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यूट्यूब पर जाके विथ लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ये मैं आ गया यूट्यूब पर और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ सबसे ऊपर क्या, बाइकॉट पठान। ठीक है, बाइकॉट पठान ऊपर लिखा हुआ भी आ गया, बाइकॉट पठान। ठीक है, अब आपके सामने आएगा सब जो भी आएगा। ठीक है, देखो आप किस तरीके से 8 दिन में 1,89,000। आप बोलोगे ये तो बड़े क्रिएटर है, लेकिन आगे भी बताऊंगा आपको। देखो 6 दिन में 1.6 मिलियन। अब आप बोलोगे ये भी बड़े क्रिएटर हैं, लेकिन व्यूज़ तो आ रहे हैं ना भाई इनके। बाकी सारे वीडियो जाके देख लेना कितने व्यूज है, और इस वीडियो पे देख लेना कितने व्यूज है। ठीक है, आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। 6 दिन में 1,46,000 व्यूज़। देखो आप किस तरीके से व्यूज आ रहे हैं गाइस, किस तरीके से इस पर व्यूज आ रहे हैं। देखो बाइकॉट पठान करके शॉर्ट्स भी बहुत सारे इस पर क्रिएट किए गए। ठीक है, और देखो किस तरीके से इस पर व्यूज आ रहे हैं। 9 दिन में 2,27,000। बता दो किसी वीडियो पर इतने व्यूज आ रहे हैं तो है इस पर आ रहे हैं व्यूज, क्योंकि ये है ट्रेन में। 1 दिन में 9 लाख। ठीक है, 12 दिन में 1,52,000। बहुत ही सारे व्यूज आ रहे हैं इनके। ठीक है, आप सर्च करके देख लेना बाइकॉट पठान, आपको सब कुछ दिख जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गाइज आप बाइकॉट पठान करके यूट्यूब पर ग्रो हो सकते हो, क्योंकि ये चल रहा है ट्रेन में, और आप जो ट्रेन टॉपिक पकड़ोगे आपको क्या करना है, बाइकॉट पठान क्यों हुआ है, क्योंकि उस बाइकॉट पठान एक फिल्म है जो कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की। ठीक है, तो उनकी एक फिल्म है और दीपिका पादुकोण में एक सॉन्ग में क्या कर लिया, भंगवा कलर का एक जो है ड्रेस पहना हुआ है और उसमें वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा हो गया कि कुछ नेताओं ने, ठीक है, क्या उस भंगवा रंग का किया गया विरोध कर दिया। ठीक है, तो आपको उस तरीके का बता सकते हो बाइकॉट पठान करके कि दोस्तों बाइकॉट पठान फिल्म आएगी कि नहीं आएगी, इस पर विरोध क्यों हो रहा है और ये फिल्म किस प्रकार की, तो आप वो बता सकते हो। और आपको बाइकॉट पठान अच्छी अच्छी बातें उस पर बता देनी है, और ऊपर लिख देना है थंबनेल में बाइकॉट पठान, और बाकी डिस्क्रिप्शन टैग में लिख देना है बाइकॉट पठान, आपकी वीडियो 100% वायरल होगी। जी हाँ दोस्तों, 100% वायरल होगी, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक, और ट्रेंडिंग टॉपिक पर अब अगर आप जब भी कूदते हो तो आपका वीडियो 100% वायरल होता है। कोई भी आप वीडियो देख लेना, तो गाइस हमारी कैटेगरी में भी आप देख सकते हो। ठीक है, टैग कैटेगरी है, उसमें भी आप देख सकते हो, जब भी कोई अपडेट आता है, ठीक है, भारी कोई अपडेट आता है तो उस पर व्यूज़ देख लेना बाकी क्रिएटर के सबके, और जो बाकी वीडियो पर व्यूज़ देख लेना, और जो भी लिखते हैं अर्जेंट वीडियो, मोनेटाइजेशन बिग अपडेट, यूट्यूब बिग अपडेट, ये लिख देना उस पर कितने व्यूज़ आते हैं, ये आप देख लेना, क्योंकि वो है ट्रेंडिंग टॉपिक। अपडेट्स वाले होते हैं वो होते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, और जो पहले बाजी मार लेता है उनके मिलियंस में व्यूज आ ही जाते हैं दोस्तों। तो ये फायदा है ट्रेंडिंग टॉपिक का,
और बॉयकॉट पठान अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, आप उस पर वीडियो बना सकते हो। दोस्तों ये मेरी कैटेगरी नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर कैसे ग्रो हो सकते हो। ये बाकी जितने भी चैनल मैं आपको दिखाया और भी चैनल जो कि मैंने आपको नहीं दिखा पाया, जो उन पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ थे, ठीक भी, फिर भी आप उसको चेक कर सकते हो, बॉयकॉट पठान लिख के वो किस तरीके से बना रहे और उनके व्यूज़ सब्सक्राइबर आप देख लेना। चलिए मैं इतने कहना चाहता हूँ, आप ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ते हो, आगे बहुत सारे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि अभी ट्विटर ने किसी का सलमान खान के और बहुत सारे क्या किया, ट्विटर वो एक हैकर ने क्या किया, सलमान खान के वो ट्वीट वाला वो हैक कर लिया, ऐसे कुछ हुआ है आज की डेट में, ठीक है। तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, उस पर आप वीडियो बना सकते हो। ए टू मोटिवेशन ने वीडियो बनाए थे, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और आप भी इस तरीके का वीडियो बना सकते हो। इस तरीके का अगर आप चैनल क्रिएट करोगे तो आपके सामने बहुत ही सारे कुछ आ जाएंगे वीडियोस जो कि ट्रेंडिंग में चलेंगे, तो उस पर आप रिएक्शन दे सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, बस इस चैनल क्रिएट तो करो आप, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक का एक क्रिएट तो करो। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि आप ऐसा एक चैनल क्रिएट करो, ठीक है, ऐसा एक चैनल क्रिएट करो जिस पर आप ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ के रखो, जो भी अभी ट्रेंड में चल रहा है, चाहे सॉन्ग हो, चाहे पठान फिल्म के बारे में हो, चाहे कोई भी फिल्म हो जो कि अभी आने वाली है, रिलीज़ हो रहे हैं, उनके बारे में ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा सर्च कर रही है और बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस उसको देखना चाहती है। जैसे कि अभी उत्तराखंड में और हल्द्वानी में क्या चल रहा था, सौरव जोशी, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने हल्द्वानी और उत्तराखंड के बारे में क्या बोला कि हल्द्वानी को या उत्तराखंड को मेरे नाम से जाना जाता है क्योंकि मैं इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर हूँ, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल गई थी और सभी वेट कर रहे थे सौरव जोशी को। तो उस पर अगर आप वीडियो बनाते, उस पर अगर आप वीडियो बनाते तो आपके मिलियंस में व्यूज आते। आप देख लेना सौरव जोशी के जो वीडियो बनाए थे उस पर कितने व्यूज है, आप देख लेना सर्च करके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। किसी को भी आप ले सकते हो, वायरल सॉन्ग हो गया, वायरल फिल्म हो गई, किसी को भी आप ले सकते हो, ठीक है, और उस पर वीडियो क्रिएट कर सकते हो, आपके मिलियंस में व्यूज आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। आपको इस चैनल पर ऐसे ही धमाकेदार वीडियो डेली मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही पॉजिटिव रहकर इस वीडियो को देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही जोश और जुनून के साथ हमें रहना है दोस्तों, और ऐसे ही हमें यूट्यूब पर ग्रो होना है और मैं आपके लिए आइडियाज़ लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, और तब तक ले बाय कुछ जल्दी दीजिए, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।